आज की इस वीडियो में हम लोग प्लेटो के लिटरेरी क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे। प्लेटो को दोस्तों फर्स्ट सिस्टमेटिक क्रिटिक बोले तो गलत नहीं होगा, क्योंकि क्रिटिसिज्म की शुरुआत ही ग्रीक लिटरेचर के अंदर प्लेटो ने की थी। अपने बुक रिपब्लिक की बुक 10 में उन्होंने पोएट्री का क्रिटिसिज्म किया है, और एरिस्टोटल का लिटरेरी क्रिटिसिज्म मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग प्लेटो के लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अलावा कुछ लिटरेरी क्रिटिक्स जैसे रनसा में सर फिलिप सिडनी के प्लेटो के लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर क्या विचार थे, और एरिस्टोटल खुद इनके स्टूडेंट वो क्या सोचते थे इनके लिटरेरी क्रिटिसिज्म को। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, शुरू करते हैं। दोस्तों लिटरेरी क्रिटिसिज्म शुरू होता है एंशिएंट ग्रीस से, जब क्रिटिसिज्म एकदम डार्कनेस में था। तो ऐसे में एक सिस्टमेटिक क्रिटिक निकल कर आए, प्लेटो। इनका जन्म हुआ था 427 BC के आसपास। इनके टीचर का नाम था सोक्रेटिस, सुकरात बोलते हैं हिंदी में। तो पहले प्लेटो खुद पोएम्स लिखना पसंद करते थे, लेकिन ये अपने गुरु सोक्रेटिस के संपर्क में आने के बाद में, उनके इन्फ्लुएंस में आने के बाद में, इन्होंने खुद अपनी पोएम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, और फिलोसफी और मैथमेटिक्स की तरफ ये एक्टिवली इंटरेस्टेड हो गए। इन्होंने एथेनियन वॉर्स में भी हिस्सा लिया, और 487 BC में इन्होंने अपनी खुद की एकेडमी बनाई। वहाँ पर ये अपने स्टूडेंट्स को फिलोसफी, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस, प्रैक्टिकल लेजिस्लेचर वगैरह पढ़ाने लगे। इनके आसपास के लोग इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाली पर्सनैलिटी थे। तो ये तो हो गई इनकी पर्सनल लाइफ। अब प्लेटो के व्यूज़ 3 पॉइंट्स में हैं दोस्तों पोएट्री के लिए, जो कि उन्होंने अपने बुक रिपब्लिक की बुक 10 के अंदर अपने व्यूज़ दिए हैं। तो ये 3 पॉइंट्स में हैं। सबसे पहले है पोएटिक इंस्पिरेशन, दूसरा है इमिटेशन, और तीसरा है कंडमनेशन ऑफ पोएट्री, मतलब पोएट्री की बुराई ये कैसे करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं हम लोग, पोएटिक इंस्पिरेशन। तो प्लेटो के हिसाब से, उनके व्यूज़ के हिसाब से, एक पोएट को अपना वर्क लिखने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है। तो प्लेटो बताते हैं इसमें कि बिना इंस्पिरेशन के कोई भी पोएट अपना वर्क नहीं लिख सकता, उसे इंस्पिरेशन तो चाहिए ही चाहिए। वो अपनी सेंसेस के थ्रू इंस्पायर होता है, और बिना इंस्पिरेशन के वो बिल्कुल पावरलेस है। जो भी नोबल वर्ड्स वो अपनी पोएट्री में यूज़ करता है, वो इंसानों के एक्शन से ही उसे सीखने को मिलती है। और एक पोएट डिवाइन ट्रुथ को बताता है, उसको वैसे ही डिवाइन इंस्पिरेशन मिलती है जैसे कि एक भविष्य बताने वाले को, प्रोफेसी करते हैं ना कई लोग, तो उनको जैसे डिवाइन इंस्पिरेशन मिलती है, वैसे एक पोएट को भी मिलती है। तो पोएट्री कोई भी क्राफ्ट नहीं है, मतलब क्रिएटिविटी नहीं होती, ऐसा कोई क्राफ्ट नहीं है जैसे सीखा जाए, प्रैक्टिस किया जाए, बल्कि पोएट्री तो उसे मिलने वाली इंस्पिरेशन का रिजल्ट है। पोएट तो बस डिवाइन ट्रुथ को बताता है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे प्लेटो ये भी कहते हैं कि पोएट्री किसी भी तरह से रैशनल नहीं होती, मतलब इसमें तर्क नहीं होते, और ये रैशनल नहीं है। यही रीज़न है कि पोएट्स खुद कभी कभार कुछ ऐसा लिख देते हैं जिसे वो खुद नहीं समझ पाते कि उन्होंने लिख क्या दिया। तो उनके हिसाब से पोएट्री बस डिवाइन ट्रुथ को बताती है, और वो ट्रुथ ऑर्डिनरी लोगों से बहुत दूर होता है। दूसरा पॉइंट है इमिटेशन, मतलब कॉपी करना। प्लेटो एक आइडियलिस्ट थे, वो आइडियाज़ को सच मानते थे, वो अपना एक आइडियल समाज बनाना चाहते थे, रैशनल बातें करते थे, और ये ब्यूटी और गुडनेस को, ये सब चीज़ों को वो हेवन के लिए मानते थे, कि ये सब चीज़ें हेवन के लिए बनी हैं। वो रिपब्लिक की बुक 10 में बताते हैं इमिटेशन के बारे में, ये बहुत ही नोट करने वाला पॉइंट है। वो एक पेंटर का एग्जांपल देते हैं, कहते हैं कि जैसे पेंटिंग में क्या होता है, इमिटेशन होती है, मतलब पेंटिंग का मतलब क्या होता है, कॉपी करना, किसी चीज़ को कॉपी करना ही चलता है पेंटिंग के अंदर। पेंटिंग किसी स्पेसिफिक चीज़ की कॉपी होती है, तो चीज़ों को कॉपी करके एक पेंटर कर क्या रहा है, कुछ भी स्पेशल नहीं कर रहा, वो एक्चुअली ऐसा काम कर रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब जब वो चीज़ मौजूद है तो उसको कॉपी करके क्या फ़ायदा। तो पेंटर की ही तरह वो पोएट्स को भी बिना मतलब की चीज़ों को कॉपी करने वाला बोलते हैं। तो ये व्यूज़ हैं प्लेटो के पोएट्री के ऊपर, वो पोएट्री को पेंटिंग से कंपेयर करते हैं। वो बोलते हैं चलो ठीक है, कॉपी करना भी ठीक है, लेकिन अगर वो बिना उन चीज़ों की रियल वैल्यू जाने उनको कॉपी कर रहा है, सिर्फ कॉपी कर रहा है, तो ये चीज़ उसकी लैक ऑफ नॉलेज को शो करती है।
लेकिन यहाँ पर प्लेटो को दोस्तों इमिटेशन के मामले में गलत भी माना जाता है। बोला जाता है कि पोएट्री या पेंटिंग किसी मशीन की तरह कॉपी नहीं किया जाता। ऐसा आर्ट नहीं होता जो सिर्फ कॉपी कर लिया। कभी किसी आर्टिस्ट की क्रिएशन को देखना, ऐसा लगता है जैसे उसने पूरी जान डाल दी हो। जो चीज़ ऑर्डिनरी लोग नहीं देख पाते वो एक आर्टिस्ट देखता है, इसलिए वो आर्टिस्ट है। तो पोएट्री और पेंटिंग दोनों क्रिएटिव होते हैं, सिर्फ इमिटेशन नहीं होती। अफसोस, प्लेटो पोएट्री का ट्रू नेचर समझने में फेल हो गए। अब तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन इसको समझने से पहले मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोगों में से कोई भी पोएट है, अपनी पोएट्री लिखता है, तो ये थ्योरी प्लेटो ने सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को ये बताने के लिए दी थी कि किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो एक आइडलिस्ट थे, मैंने आपको बताया था कि वो एक आइडलिस्ट थे और अपना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करते हैं। उनको समझने के लिए ही सुनना, ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त के उनके व्यूज़ को डिस्कस करने के लिए उस वक्त की सोशल कंडीशन को जान लेते हैं, जिनको जानना ज़रूरी है, तभी हमें आगे की कहानी समझ में आएगी। तो ये वो टाइम था जब पॉलिटिक्स गिरती जा रही थी, एजुकेशन पर इतना फोकस नहीं किया जा रहा था, और होमर जो उस वक्त के बहुत बड़े ग्रीक पोएट थे, ग्रेट पोएट थे, तो स्कूलों में उन्हीं के वर्क्स को पढ़ाया जाता था। होमर के वर्क्स की वो वैल्यू थी जो बाइबल की थी, बाइबल के बराबर, लेकिन होमर खुद अपने वर्क्स में गॉड्स और मिथ को इंक्लूड करते थे, जो चीज़ें आम आदमी के समझ से बिल्कुल दूर थी। दूसरा, लिटरेचर बहुत ही इमोरल और करप्ट टाइप का हो गया था। वो कैसे हो गया था मैं आपको आगे बताऊंगा। क्रिटिसिज्म तो बनता था, इस चीज़ का क्रिटिसिज्म तो बनता था, तो रिजल्ट इस चीज़ का ये हुआ कि फिलोसोफर्स और ऑरेटर्स पोएट्स और आर्टिस्ट के ऊपर हो गए। ये थी उस टाइम की सोशल कंडीशंस। प्लेटो अब एक फिलोसोफर थे, तो उन्होंने फिलोसॉफी की साइड ली। ऑफकोर्स फिलोसॉफी को पोएट्री से ऊपर साबित करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करके उन्होंने क्रिटिसिज्म को एक डायरेक्शन दे दी, जो आगे चल के क्रिटिसिज्म बहुत ही फेमस हुआ और ये पहले सिस्टमैटिक क्रिटिक बन गए। अब सबसे पहले ये पोएट्री पर अटैक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये देते हैं कि पोएट्री मॉरली करप्ट करती है, किसी इंसान के कैरेक्टर को बिगाड़ती है, सोशली मॉरल नहीं होती, बुरे कामों को करने के लिए सपोर्ट करती है, तो इसके डीमोरलाइजिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं। दूसरी चीज़, मैंने आपको बताया था उस टाइम का लिटरेचर करप्ट कैसे हो गया था। दूसरा पॉइंट ये बताते हैं कि पोएट्स गॉड्स के बारे में हमको झूठ बताते हैं। कैसे? ये गॉड्स को करप्ट प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, कि इंसान में जो कमियां हैं वो गॉड्स में भी दिखाते हैं। ये कि इंसान में ग्रीड, लस्ट ऐसी कमियां होती है, तो वही चीज़ ये गॉड्स में भी दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि होमर ने अपनी ओडिसी और एलियड के अंदर दिखाने की कोशिश की है। इसलिए प्लेटो बोलते हैं कि इनके वर्क स्कूल्स में पढ़ाने लायक नहीं है, क्योंकि बच्चे को अगर हम जो सिखाएंगे, जो बताया जाएगा, पेरेंट्स और टीचर जो बताएंगे, वही वो सीखेंगे और वही वो प्रोड्यूस करेंगे आगे चल के। तो इनके कहने का मतलब, होमर की पोएट्री एक सूटेबल मीडियम नहीं है एजुकेशन का, बजाय फिलोसफी एक अकेला प्रॉपर सब्जेक्ट है स्टडी का। पोएट्री को प्लेटो ने मॉरली हार्मफुल बताया है। अब ये था मॉरल क्रिटिसिज्म। अब बात करते हैं इमोशनल क्रिटिसिज्म की। तो इमोशनल क्रिटिसिज्म में वो सबसे पहले बोलते हैं कि ये पोएट्स डिवाइनली इंस्पायर्ड होते हैं, मतलब उनकी पोएट्री, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, कोई क्राफ्ट नहीं होती, मतलब कि नॉन रैशनल होती है, कोई क्राफ्ट नहीं होती इसके अंदर, क्या कहते हैं, कुछ क्रिएटिविटी नहीं होती इसमें, सुपर नेचुरल सोर्सेस का यूज़ किया जाता है, ऐसे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो खुद की उनकी पर्सनैलिटी से दूर होते हैं, अनकॉन्शियस बातें करते हैं, अनरिलायबल और अनसर्टन। जो ये इंस्पिरेशन लेते हैं वो किसी भी वक्त रुक सकती है, और क्या पता कि इनकी बातों में कितना सच हो। ढंग से एग्जामिन करना चाहिए इनकी चीज़ को, इस चीज़ को। और एक बात और, कि इनका मतलब कभी भी साफ नहीं होता कि ये क्या कहना चाहते हैं। पोएट्स कभी कभार खुद इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो क्या लिखते हैं, क्योंकि ये इरेशनल बातें करते हैं, एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशंस देते हैं, और ये एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशंस यूजलेस हैं उनके लिए, जो कि बच्चे हैं या इमेच्योर हैं, उनकी समझ से तो ये चीज़ें बाहर है। एपिक, ट्रेजेडी, कॉमेडी, ये सारी पोएट्री टोटल कॉपी होती है
और ये पोएट्री डेंजरस होती है। डेंजरस कैसे होती है? क्योंकि इनको पढ़ने से इंसान खुद वीक और अनहेल्दी फील करता है। इनका सब कुछ इमिटेशन होता है और इमिटेशन क्लाउन तैयार करता है, बस और कुछ नहीं। प्लेटो ने सोल के, ह्यूमन सोल के तीन पार्ट्स बताए हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले रैशनल, ये पहला पार्ट है रैशनल। दूसरी है स्पिरिटेड, मतलब जज्बे वाली, लड़ने वाली। और तीसरी है डिज़ायरस। डिज़ायरस सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ह्यूमन सोल का। ये थर्ड पार्ट जो होता है, इसको प्लेजर मिलता है नॉन रैशनल चीज़ों को देखने से। नॉन रैशनल चीज़ें जैसे ड्रामा देख लिया या कुछ देख लिया, तो उस चीज़ से प्लेजर मिलता है। तो यहाँ पर वो खुद लिखते हैं रिपब्लिक की बुक 10 में पॉइट्स के लिए, दे फीड एंड वाटर द पैशंस इंस्टीड ऑफ ड्राइंग दैम अप एंड लेट दैम रूल इंस्टीड ऑफ रूलिंग दैम एज द आर्ट टू बी रूल्ड विद अ व्यू टू बी हैप्पीनेस एंड वर्च्यू ऑफ मैनकाइंड। रिपब्लिक बुक 10 में वो दो इमोशंस पिटी और ग्रीफ, इन दोनों पर कंट्रोल रखने के लिए बोलते हैं। लेकिन ट्रेजडी क्या करती है, इन दोनों इमोशंस को बढ़ावा देती है। तो ये था इमोशनल क्रिटिसिज्म दोस्तों। अब इंटेलेक्चुअल क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। इंटेलेक्चुअल क्रिटिसिज्म में पहले तो वो बोलते हैं कि पोएट्स को सच की नॉलेज नहीं होती, रियलिटी के बजाय ये इल्यूजंस में जीते हैं, भ्रम में जीते हैं। ये बस सरफेस से चीज़ों को कॉपी करते हैं, रियलिटी से तीन गुना ज़्यादा दूर होते हैं ये, बहुत दूर होते हैं मतलब। इसलिए इनकी पोएट्री को स्कूल्स के कैरिकुलम में शामिल नहीं करना चाहिए। ये सब बोलकर वो पोएट्री के इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और मॉरल ग्राउंड्स पर अटैक करते हैं। पोएट्स को वो बोलते हैं कि पोएट्स को ऑनर जरूर देना चाहिए, ऑनर जरूर मिलना चाहिए, लेकिन आइडियल स्टेट से, उनके आइडियल स्टेट से उनको बाहर निकाल देना चाहिए। तो ये तो हो गया प्लेटो का लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब उनके अचीवमेंट्स की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले उनकी अचीवमेंट यह है कि उन्होंने आर्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहला फाइन आर्ट्स, मतलब जिसमें पेंटिंग, पोएट्री, म्यूज़िक ये सब आते हैं। दूसरा वो बोलते हैं यूज़फुल आर्ट, जिसमें मेडिसिन, एग्रीकल्चर ये सब चीज़ें आती है। एक अचीवमेंट इनकी ये भी है कि ये पहले थे जिनको पोएट्री की मिस्टीरियस पावर का पता चला था। इन्होंने बोला था कि पोएट्री के पास वो पावर होती है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। अब ये सब होने के बावजूद प्लेटो की थ्योरीज़ को बाद में रिमूव कर दिया गया। बाद की मॉरलिस्टिक थ्योरीज जैसे आ गई, जैसे कि आर्ट फॉर आर्ट सेक, इन थ्योरीज़ ने प्लेटो की थ्योरीज़ को रिमूव कर दिया और इनके व्यूज़ को खुद इनके स्टूडेंट एरिस्टोटल और अलग अलग एजेस में अलग अलग क्रिटिक्स ने एग्जामिन किया। जैसे सर फिलिप सेड ने, रनसा के टाइम के लिटरेरी क्रिटिक, उन्होंने बोला है कि प्लेटो ने पोएट्री को गलत नहीं बोला, बल्कि बुरी पोएट्री पर अटैक किया है। वो सिर्फ बुरी पोएट्री पर अटैक करते हैं, बुरी पोएट्री को बुरा बोलते हैं। लेकिन टाइम के साथ ये चीज़ तो क्लियर हो ही गई, ये चीज़ तो समझ में आया गया कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो बस अपनी एज की सरकमस्टेंसेस को ध्यान में रखकर लिखा और बाद की एजेस के लिए वो काफ़ी हद तक ठीक नहीं था। अब एरिस्टोटल, जो कि प्लेटो के ग्रेट स्टूडेंट थे, उन्होंने प्लेटो की बातों के अगेंस्ट अपने पॉइंट रखे हैं। वो पोएट्री को सिर्फ मज़ा देने वाली नहीं बोलते, बल्कि यूज़फुल भी बोलते हैं। ये बात भी है कि वो डायरेक्टली प्लेटो को अपने वर्क पॉलिटिक्स में रेफर नहीं करते। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ दोस्तों, प्लेटो और एरिस्टोटल में डिफरेंस जो कि आप ढूंढ सको। सबसे पहले तो प्लेटो ने सिर्फ ह्यूमन लाइफ को समझा था, लेकिन एरिस्टोटल ने ह्यूमन नॉलेज को समझा था। दूसरा, प्लेटो एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे, जबकि एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, एक्सपेरिमेंट करते रहते थे और अपने प्रिंसिपल्स को उन्होंने पूरी ऑब्जर्वेशंस और एनालिसिस के बाद में ही बनाया था। प्लेटो एक आइडियलिस्ट थे, वो आइडियल वर्ल्ड चाहते थे अपना, कि ऐसा हो वैसा हो, चाहे हो ही ना सके लेकिन हो। जबकि एरिस्टोटल एक रियलिस्ट थे, जो कि साइंटिफिक और सिस्टमेटिक स्टडी करते थे कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। क्योंकि खुद की लैंग्वेज पोएटिक और चार्मिंग टाइप की होती थी, लेकिन एरिस्टोटल की प्राइवेट टाइप की, पर्सनल नोट्स टाइप की, जैसे कोई इंटेलिजेंट टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हो। प्लेटो ने पोएट्री को पेंटिंग से कंपेयर किया है, लेकिन एरिस्टोटल ने पोएट्री को म्यूजिक से कंपेयर किया है, कि पोएट्री कोई पेंटिंग की तरह इमिटेशन नहीं होती, बल्कि पोएट्री किसी म्यूजिक की तरह इमिटेशन होती है जो कि प्लेजर देती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।